हम आपको अजंता म्यूजिकल क्लॉक में पावर स्टैंड बदलने का तरीका बताने जा रहे हैं। उसके लिए आप तीन टूल्स की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। एक है कटर, दूसरा है टू पार्ट स्क्रू ड्राइवर और तीसरा है सेलो टेप। सबसे पहले हम पीछे दिए गए स्क्रूज को खोलेंगे। तो इस तरह से हमारा बैक कवर कैबिनेट से अलग हो जाएगा। सबसे पहले हम पावर स्टैंड और मेलोडी के जो कनेक्शंस है उसको कटर की मदद से कट कर लेंगे। उसके बाद टू पार्ट स्क्रू ड्राइवर की मदद से पावर स्टैंड के बोल्ट्स को खोल लेंगे। बोल्ट्स खुल जाने के बाद हम पावर स्टैंड को अलग कर लेंगे। अब हम घड़ी में नया पावर स्टैंड फिट करेंगे। पावर स्टैंड फिट करने के लिए सबसे पहले पावर स्टैंड को उसकी जगह पर रख के स्क्रू की मदद से अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। स्क्रू फिट हो जाने के बाद अब हम मेलोडी और पावर स्टैंड के वायर कनेक्शंस करेंगे। वायरिंग कलर कोड के हिसाब से करेंगे, रेड को रेड के साथ और ब्लैक को ब्लैक के साथ। वायरिंग हो जाने के बाद सेलो टेप की मदद से वायरिंग को कवर कर लेंगे। और वायरिंग को अच्छी तरीके से फिक्स कर देंगे। तो इस तरह से आप पावर स्टैंड को बदल सकते हैं। बैक कवर के सारे बोल्ट्स को अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। तो इस तरह से आप अजंता म्यूजिकल सीरीज की घड़ी को रिप्लेस कर सकते हैं।